आपको आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हिमांतो जी ने यहाँ पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल है, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति में चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो। रास्ते में आपने भी देखा होगा जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, ये जो राम लहर है इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस? नहीं देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहां पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पदयात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है,
विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।